इको क्लब से जुड़े छात्रों ने धीरेंद्र भाकुनी के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपा। छात्रों ने अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा से कहा कि उनके द्वारा 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। छात्रों ने कहा कि नगर मल्लीताल पंत पार्क पर फड़ लगाने वाले व्यवसायियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके गंदगी करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिस फड़ व्यवसायी के आसपास सफाई होगी उसको विद्यालय प्रबंधन द्वारा 3,000, 2,000 व 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा ने कहा कि स्कूली छात्राओं के सराहनीय कार्य का पालिका प्रशासन द्वारा समर्थन दिया जाएगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। लॉन्गव्यू पब्लिक स्कूल की तरफ से आए हैं, तो हम लोग ये इस चीज़ से जागरूक हैं कि हमारे आस पड़ोस में और हमारे इस छोटी सी नगरी में नैनीताल में क्या समस्याएं हम सभी को, हम विद्यार्थियों को और यहाँ के लोकल लोगों को उठानी पड़ती है, या जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो भी ये देखते हैं कि यहाँ की गंदगी बहुत बहुत होती है, यहाँ पर गंदगी। तो इस चीज़ पर हम लोग एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं लोगों पे, और यहाँ के जो फड़ वाले जो लगा रहे हैं उन पे जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि यहाँ ये चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए और स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें अनुरोध किया है कि सफाई में जो भी है हम भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और विशेषकर इन लोगों ने अनुरोध किया है कि जो फड़ वाले हमारे लगा रहे हैं, यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और गंदगी की ज़्यादा संभावना रहती है, तो ये इनका कहना है कि हम भी इसमें आकर के सहयोग करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए हमने इनका स्वागत करते हैं और जो भी हमारी तरफ से सहयोग होगा उसको इनको प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह के कार्य हुआ बच्चों? हाँ, बच्चे आकर के इसमें जागरूक करेंगे और इसमें मॉनिटर करेंगे किस किस हमारे जो फड़ वाले लगा रहे हैं, कहाँ पर गंदगी कर रहे हैं, किसके पास गंदगी ज़्यादा है, वो मॉनिटर करके और इसको जो है सूचीबद्ध करके उनसे उनको मोटिवेट करके कि ये गंदगी ना करें। ये